आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजनगरी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन SN मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में ट्रायज ओपीडी सेवा अभी शुरू नहीं की गई है। सामान्य ओपीडी के दौरान प्रतिदिन 1500 से अधिक मरीजों को देखा जा रहा है। ऐसे में सभी के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना और कराना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन SN मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में ट्रायज ओपीडी अभी शुरू नहीं की गई है। इस ओपीडी में कोरोना वायरस के संदिग्ध और लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग जांच कराने की व्यवस्था थी। अभी बुखार खांसी के मरीज सीधे सामान्य ओपीडी में इलाज के लिए जा रहे हैं। अनिल जी, काफी समय बाद आप आए हो, नमस्कार आपको। आज सुबह ही प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे पूरा ओपीडी का निरीक्षण किया है और नए नए निर्देश दिए उन्होंने कि बिना मास्क के, सैनिटाइज के, थर्मल स्क्रीन के एंट्री नहीं है पेशेंट की। तो हमने यहाँ मेन ओपीडी में और रिसेप्शन कम्प्लेक्स में जहाँ पे पर्चे बनते हैं और दवाई डिस्पेंसरी है, वहाँ दोनों जगह थर्मल स्क्रीन और सैनिटाइज की दोनों की व्यवस्था कर रखी है। और जो कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग हैं, वैसे सभी को मास्क की एंट्री कोई नहीं आ पाता, नहीं ले पाता, तो उसके लिए एक मास्क की व्यवस्था कर देते हैं उनको देने के लिए। और सोशल डिस्टेंस के लिए हमने वो स्टिकर लगवाए हैं स्टेप वाले कि इतना सोशल स्टेप के साथ रुकें। जो पहले जो गाइडलाइन थी वो सारी एकदम हमने लागू कर दी हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में इमरजेंसी में ट्रायज ओपीडी में बुखार खांसी जुकाम सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों का इलाज और जांच की जा रही थी। इसमें औसतन रोजाना 250 से अधिक मरीज आ रहे थे। संक्रमण कम होने पर इमरजेंसी में यह व्यवस्था बंद कर दी गई। अब बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को ताजनगरी में 4254 RT-PCR जांच की सापेक्ष में 64 कोरोना संक्रमित मरीजों की, जहां अब सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 177 के पास पहुंच गई है। ओपीडी में मरीज तो अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है, इतने ही मरीज देखे जाएंगे। ओपीडी जो पहले की भांति पूर्ववत चल रही है और उसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है। अब ऊपर जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे कि भीड़ को कंट्रोल करना है, ओपीडी की संख्या कंट्रोल करनी है, तो उस हिसाब से जैसे निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से करेंगे। तो इस समय कोई निर्देश नहीं है, पूरा टाइम पर्चे बनना है, जितने भी मरीज आ रहे हैं सब दिखाई जा रहे हैं। अभी लास्ट स्टेटमेंट निकलना तो बाकी टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि 1 बजे तक पर्ची बनते हैं। इस समय 1000 से ऊपर ओपीडी होगी, 1200 तो हो सकती है, हो गई हो इस समय तक। ऐसे में भी ट्रायज ओपीडी की व्यवस्था दोबारा से शुरू नहीं किए जाने के चलते संदिग्ध मरीज सामान्य ओपीडी में ही इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे संक्रमण और फैलने का खतरा बढ़ गया है। चैनल के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि सब लोग सोशल डिस्टेंस के बारे बहुत ही नहायती ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, और अस्पताल की ज़्यादा ही ज़रूरत है इमरजेंसी में, केवल घूमने फिरने के मकसद से ना, दिखाने के मकसद आएँ। कोई ज़्यादा परेशानी है तो अस्पताल आएँ दिखाने के लिए, और पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट आए। टेलीकॉलिंग की क्या व्यवस्था की है? टेलीफोनिंग की व्यवस्था अभी नहीं है, अभी तो जो है ओपीडी रेगुलर चली है। ओपीडी में कोई रेस्ट्रिक्शन आता, कोई रोकने के लिए निर्देश मिलते हैं, तो उसके बाद टेलीफोनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है कि दूसरी लहर थमने के बाद SN इमरजेंसी में ट्रायज ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी थी। अब शासन प्रशासन की गाइडलाइन के जरिए नई व्यवस्था की जाएगी। अभी कोरोना के लक्षण वाले मरीज इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।